कॉलेज के छात्राओं के लिए बस सेवा शुरू करने की मांग। ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त एवं BBMKU के कुलपति को ज्ञापन सौंपा। महिला बस सेवा परिचालन की मांग को लेकर ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस धनबाद चैप्टर का एक प्रतिनिधि मंडल नगर आयुक्त धनबाद और BBMKU के कुलपति को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस धनबाद चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय समेत शहर के विभिन्न महाविद्यालयों में करीब 10,000 से भी अधिक छात्राएं नामांकित हैं, जिसमें ज़्यादातर छात्राएं गरीब और ग्रामीण परिवेश से आती हैं। साथ ही सुरक्षित और सस्ता आवागमन की सुविधा के अभाव में बहुत सी छात्राएं कॉलेज आने और शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाती हैं। ऐसे में उन छात्राओं के सस्ता और सुरक्षित आवागमन के लिए धनबाद रेलवे स्टेशन मार्ग सहित शहर के प्रमुख मार्ग पर महिला बस सेवा का संचालन किया जाना आवश्यक है, ताकि कोई भी छात्रा शिक्षा से वंचित ना हो। सर, हम लोग अभी शहर के विभिन्न कॉलेजों में लगभग 10,000 से ज़्यादा लड़कियां पढ़ती हैं और ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश और गरीब परिवेश की छात्राएं हैं। और कोरोना काल में जिस तरह से लोगों का रोजी रोटी गया है, बेरोजगार हुए हैं, आज स्थिति ऐसी हो गई कि लड़कियां कॉलेज आकर अपनी क्लास नहीं कर पा रही हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो सुरक्षा की भावना है और दूसरी है कि इतना ज़्यादा फेयर है, पेट्रोल डीजल की प्राइस हाइक है, तो इतना ज़्यादा भाड़ा बढ़ गया है कि लड़कियाँ ग्रामीण परिवेश की लड़कियाँ आ नहीं पाती हैं। तो उन लड़कियों के लिए शहर में महिला बस सेवा का संचालन हो, इसको लेकर धनबाद प्रोफेशनल कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल आज नगर आयुक्त और साथ ही साथ, चूंकि स्थापना दिवस है इस विनोद बिहारी महतो पूर्वांचल विश्वविद्यालय का, इस स्थापना दिवस पर अपने माननीय कुलपति से मिलकर हम लोगों ने डिमांड रखा है कि शहर के प्रमुख मार्गों पर महिला बस सेवा का संचालन किया जाए, ताकि छात्राएं लड़कियां पढ़ाई से वंचित न हो पाएं, अपने आकर पढ़ाई पूरा कर पाए। और ये सरकार का और समाज का जो लक्ष्य है महिला सशक्तिकरण का, उसमें एक अवरोध न बन पाए, इसी क्रम में हम लोग